में आया था वो जरा औरत को विदा कराने के लिए और उसमें आया एक्सीडेंट हो गया। यारपुर के रहने वाले दस्तूर भाई ऐसे ही क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस करने के क्रम में एक हाइवा ने धक्का मार दिया, धक्का लगने से स्पॉट डेथ हो गया है। तत्काल उनके परिजन को हम लोग समझा बुझा करते हैं, एफआईआर की प्रक्रिया जो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है वो किया जा रहा है। रूपसपुर थाना क्षेत्र के चुलाईचक के पास एक तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ने एक युवक को बुरी तरह कुचल डाला, जिसके बाद उस युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान यारपुर मुसरी से रहने वाला बुढ़वा मांझी का 28 वर्षीय पुत्र दशरथ मांझी के रूप में किया गया। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के प्रियजनों में रो रो कर बुरा हाल बन गया। घटना से आक्रोशित प्रियजनों ने मुआवजे को लेकर सड़क पर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। वहीं आक्रोशित लोगों ने हाईवे को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद हाईवा धू धू कर पूरी तरह जल गया है। घटना के संबंध में जब बताया जाता है कि मृतक अपने ससुराल रूपसपुर थाना क्षेत्र के चुलाईचक मुसरी आया हुआ था, या उसी समय वो चुलाईचक के पास से सड़क पार कर रहा था, जहां दिखा भी ओर से तेज रफ्तार से आ रही एक हाईवा ने मृतक को बुरी तरह कुचल डाला था। घटना के बाद हाईवा चालक हाईवा को छोड़कर भागने में सफल रहा। वहीं यह सड़क जाम करीब 4 घंटे तक चलता रहा, जिस कारण आने जाने वाले यात्री को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैं आया था वो जरा औरत को विदा कराने के लिए और उसमें आया एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या चीज एक्सीडेंट हुआ? हाईवा से आगे जाना। क्या नाम है इनका? इसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ससुराल आया हुआ था वाइफ को ले जाने के लिए। कहाँ कराने वाले हैं? यारपुर मुसहरी का। कितने बजे घटना है ये? 12 बजे नहीं 11 बजे 11 बजे करीब। जी वाइफ को लेकर जाने वाले थे जी। यही घटना हो गई। क्या नाम हुआ? पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम पूछी तो पत्नी का नाम डौली देवी नाम है। डौली देवी नाम है। कब शादी हुआ था इनका? इनका अभी 4 बच्चा है, छोटा 4 बच्चा है। घटना की सूचना मिलते ही दानापुर अंचला अधिकारी रूपसपुर थाना अध्यक्ष अपने पूरे दल बल के साथ आकर आक्रोशित लोगों को समझाने में जुट गए। रूपसपुर थाना अध्यक्ष रणविजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, सबको अपने कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर सड़क जाम हटाया गया है। यातायात सुचारू रूप से चालू हो चुका है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि अज्ञात हाईवे चालक एवं के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। यारपुर के रहने वाले दस्तूर भाई ऐसे ही क्रॉस कर रहे थे, रोड क्रॉस करने के क्रम में एक हाइवा ने धक्का मार दिया, धक्का लगने से स्पॉट डेथ हो गया है। तत्काल उनके परिजन को हम लोग समझा बुझा करते हैं और जो एफआईआर की प्रक्रिया जो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है वो किया जा रहा है। पहचान हुई है मृतक की? मृतक की पहचान हो चुकी है। कहाँ से रहने वाला? क्या नाम है? यारपुर का रहने वाला दशरथ मांझी के रूप में। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुई है? हाईवा से एक्सीडेंट हुआ है। ये लोगों क्या मांग है? सड़क पर जाम किए हुए हैं लोग। ये जो उचित मुआवजा है उसके अनुसार जो सरकार का राशि के प्रावधान है तो सीओ सर ने भी बताया कि 5 लाख का जो मुआवजा की प्रावधान है उसके अंतर्गत दिया जाएगा। जो फिर वार्ड पार्षद के द्वारा कमेटी अंत्येष्टि के द्वारा जो दिया जाता है वो भी दिया जा रहा है। और बाद में इनके केस में जो बाद में एक्सीडेंटल का जो प्रावधान है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो फिर मिलेगी। बाकी हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं। चालक की गिरफ्तारी तत्काल जो अभी कबीर अंत्येष्टि के योजना के अंतर्गत है वही अभी मिल रहा है और बाकी सब ऑनलाइन और बाकी जो प्रक्रिया उसके अंतर्गत। ड्राइवर पकड़ा गया? गिरफ्तारी नहीं हुई।